डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल थोड़ा डिपेंडेंट होते हैं कि भाई आपके फॉर्मूला अगर आता है तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो है, एक इक्वेशन दे रखी है, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि जनरली हम मूलों का योग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जहाँ ये माना जाता है कि अल्फा और बीटा दी गई समीकरण के क्या है, दो मूल हैं। और क्योंकि यहाँ पर घात जो है सर्वाधिक जो पावर दे रखी है वो कितनी है, दो है, तो ऑब्वियस है इस समीकरण के मूल भी कितने होंगे, दो होंगे। तो अब हमें करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा हम जनरली क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या लिखते हैं, सी अपॉन ए। अब ये ए बी से किस बेस पे लिखा जाता है कि हम मानते हैं कि हमारी समीकरण जो है वो इस तरह से लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यानी कोफिशेंट, बी होता है एक्स का कोफिशेंट, और सी होता है कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से चले तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू, और सी की वैल्यू कितनी है, ट्वेल्व। तो हमें क्या पूछा गया है, मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल के बारे में बात करें तो C की वैल्यू 12 है और A की वैल्यू 1 है, तो 12 अपॉन 1 यानी 12, तो B हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो समीकरण यानी इक्वेशन पर बेस्ड था। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी आयत का क्षेत्रफल अगर इतना दिया हुआ है और चौड़ाई इतनी है तो बताओ लंबाई क्या होगी। तो आयत यानी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का अगर हम एरिया लिखते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये होती है। हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 244, और हमें ब्रेड्थ दे रखी है दैट इज 20, यानी लेंथ पता करनी है तो एल इंटू क्या लिख दिया हमने, 20। तो इस चीज को अगर हम एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, 244 अपॉन 20। तो 20 से अगर इसको मैं काटता हूँ तो कितना आएगा, 122, 2 से अगर काटा तो, ठीक है, और 0 नीचे अगर बचा तो कितना आ जाएगा, 12.2, और यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, सेंटीमीटर। तो ए क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, करेक्ट आंसर। तो हमें क्या ध्यान रखना था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात अगर 5:7 है तो उनका महत्तम समापवर्ति इतना दिया हुआ है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्ति दिया हुआ है यानी एच सी एफ इंग्लिश में कहते हैं, और रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो और छोटी संख्या पता करनी है, तो अगर MSF दिया हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5:7 जो है उसका हम HCF निकालेंगे। तो 5:7 का HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, दैट इज अभाज्य संख्या है। तो एक ऐसा नंबर होगा जिसका भाग दोनों में जाएगा। अब हमने HCF ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें HCF ही दिया हुआ था। अब क्या करना है, दोनों HCF का रेशियो निकालना है। तो पहला HCF क्या दिया हुआ आपको, 17, और जो अनुपात दिया हुआ था यानी रेशियो दिया हुआ था उसका HCF कितना आया, 1। तो हमारे पास कितना आ गया, दोनों का रेशियो 17। अब हमें क्या करना है कि इन नंबर को, जो भी हमारा नंबर है उसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 17 × 5, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है हमारा कि 17 × 7। तो 17 × 5 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 85, और 17 × 7 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 119। तो यहाँ पर छोटी की जगह हम बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ बड़ी संख्या लिख देते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में 119 है, तो 17 × 7 कितना हो जाएगा, 119। तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, आंसर, करेक्ट। और अगर वो छोटी संख्या पूछता तो 85 हमारे इन ऑप्शन में होना चाहिए था, जो भी हम नहीं है, तो ऑब्वियस है 119 है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर 60 और 80 है यानी 60 और 80 है, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है हमारा, टोटल एंगल का एडिशन 180 डिग्री। तो उसको 180 को हम 60 प्लस 80 में से क्या कर देंगे, माइनस, तो 60 और 80 140 होता है, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 40 डिग्री। तो हर क्वेश्चन अलग टाइप का था और एक बेसिक कंसेप्ट पे था जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। इसी तरह से हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसको भिन्न में बदलना है। तो नंबर क्या दिया हुआ हमें, 1.24 का बार है, उसको हमें भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया उसको आप क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। अब ये जब भी बार लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से रिपीट होगा वो नंबर एंड सो ऑन, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर x लिखा हुआ है, अब क्या करना है कि जो नंबर दिया हुआ है कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, दो डिजिट, उनको आप पॉइंट के आगे लेके आओगे। तो पॉइंट के जब आगे लेके आएंगे तो कितने नंबर को लेके आ रहे हैं, दो नंबर को। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मान लो यहाँ एक ही नंबर हो तो मल्टीप्लाइड बाय 10, अगर यहाँ तीन नंबर हो तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100x, और ये कितना हो गया इस तरह से, ठीक है। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब सेकंड में से आपको क्या करना है, फर्स्ट को माइनस करना है। तो 100x में से x को माइनस करेंगे इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और 1.24 को माइनस किया हमने 1.2424 में से। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, देखो ये पार्ट पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 99x, और यहाँ कितना बचेगा 123। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 123/99। तो ये हमारा क्या आ गया, भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को, या फिर ये नंबर ऐसे भी लिखा आ सकता था 1.243 का बार, तो उस केस में भी हम 2 को भी आगे लेके आते, 4 को भी लाते और 3 को भी लाते। तो उस केस में हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1000 से, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना हो। तो इस तरह से हम किसी भी ऐसे नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमें दिया हुआ है एक रेशियो दिया हुआ है, 52:26x/143। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू पता करनी है। तो हम जानते हैं कि जो आउटसाइड टर्म होती है उनको मल्टीप्लाई इक्वल टू इनसाइड टर्म। तो 26x बराबर क्या लिख सकते हैं, 52:143। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52:143/26। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 286। तो इस तरह से अगर रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं।